अजमेर के किशनगंज थाना इलाके में एक बार फिर चोरों ने सुने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस गश्त की पोल खोलकर रख दी है। चोरों ने इस मकान से 30,000 रुपए की नकदी के साथ ही लगभग 1,70,000 रुपए के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। लोहागढ़ इलाके में रहने वाला जितेंद्र विगत 14 अगस्त को अपने ससुराल सोजत गया था। लौट कर देखा तो मकान के ताले टूटे हुए थे। जितेंद्र के अनुसार चोर उसके मकान से 30,000 रुपए की नकदी के साथ ही सोने और चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित जितेंद्र द्वारा इस वारदात के संबंध में किशनगंज पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से अजमेर में चोर गिरोह सक्रिय है और शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब चोर चोरी की वारदात को अंजाम ना देते हो। मैं सर ना सोजत मेरे ससुराल से गया हुआ था सर, जैसे ही मतलब मैं 14 तारीख शाम को गया और फिर वहाँ से मतलब किसी कारणवश आ नहीं पाया, तो 17 को शाम को जैसे मैं 6 बजे ही आया तो मेन गेट का तो जैसे ताला लगा हुआ था, फिर जैसे अंदर घुसा तो इसका ताला टूटा हुआ था, फिर अंदर घुसा तो ये गेट जैसे ही पुश करा मैंने तो वो गेट सीधा अंदर चल गया। फिर जाके देखा तो सर है ना मेरे पूरा सामान स्टोर में सारा सामान अस्त व्यस्त था, बिखरा हुआ था। तो मैंने सर उनको हाथ नहीं लगाया, सीधा थाने में किशनगंज थाने में फ़ोन करा सर, वहाँ से टीम आई, उन्होंने सर्च करा और फिर उन्होंने मुझे बोला कि तेरे क्या क्या चोरी हुए हैं। तो फिर मैंने उनको बताया मेरे एक तो 2.5 तड़ों की चैन है, प्लस एक रखड़ी है, बच्चे के जामड़े में जो कोई छोटी मोटी चीज़ें आई हुई थी, निजरे वगैरह, कणकती वगैरह, और इनकी 2 पायजेब की जोड़ी छोटी छोटी और बड़ी, ऐसा करके 30,000 रुपये मेरे केस को आज की मानगी के लिए रखे हुए थे 2 जगह, तो 10,000 एक जगह से लिए, 20,000 एक जगह से लिए, ऐसा करके सर वो केस और ये नकदी मतलब ज्वेलरी वगैरह सारे मतलब लेके सर करीब ना 1.70 लमसम, तो सर मेरे 1.70 के बाद तो आप गहने मान लो सर, और 30,000 सर मेरे केस हैं करीब 2K लगभग ही मान लो 2.5 लाख का मतलब सर मेरा माल पार हो गया सर। ये मान लो जी सर मुकदमा दर्ज करा दिया मैंने, ये किशनगंज थाने में कराया है मैंने सर। कहाँ पर ये घर? सर ये मोडी मोहल्ला लोहागल पानी की टंकी के पास है ये, और मैं करीब यहाँ मतलब 1.5-2 साल से रह रहा हूँ।